वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं उर्दू, यानी कि आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा उर्दू। तो बच्चों, इससे पहले हम एक हर्फ पढ़ चुके हैं, वो हर्फ क्या था? हमारा पहला हर्फ था अलिफ। क्या था बच्चों? हमारा पहला हर्फ था अलिफ। तो वो ये है, अलिफ यहाँ पे है। तो चलिए एक बार फिर हम अलिफ को लिखना सीख लेते हैं। तो बताइए हम किस तरह शुरू करें उसे लिखना? हाँ, पहले हम उसे ऊपर से नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, बिल्कुल सीधी लाइन। तो ये हो जाएगी हमारी अलिफ। अलिफ से क्या होता है बच्चों? अलिफ से होता है अल्लाह। और क्या होता है अलिफ से? अलिफ से अनार भी होता है। तो बच्चों, अलिफ तो हम सीख चुके थे कभी, तो आज हम पढ़ेंगे एक नया हर्फ। तो वो हमारा नया हर्फ क्या है? वो है बे। तो ये रहा हमारा नया हर्फ बे। इसको होता है एक नुक्ता, इसमें तो कुछ नहीं रहता है, लेकिन बे में जो होता है हमारे, उसमें एक नुक्ता रहता है। तो आइए हम बे को लिखना सीखते हैं। तो बच्चों, आप लोग अपने कापी को, किताब को खोल लीजिए और अपने पास एक कापी ले लीजिए और एक पेंसिल भी। तो चलिए हम अब इसे लिखना शुरू करते हैं। तो पहले हम एक छोटी सी लाइन खींचेंगे इस तरह, देखिए। हाँ, एक छोटी सी लाइन खींचेंगे इस तरह, उसके बाद हम एक लंबी सी लाइन इसी में जोड़ देंगे। पहले क्या करेंगे हम? पहले एक छोटी सी लाइन खींचेंगे और फिर एक लंबी सी। और अब हम इसमें जिस तरह इधर हम लाइन लिए हैं, वही लाइन यहाँ भी बनाएंगे इस तरह। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे एक नुक्ता देंगे और उसका बे का नुक्ता जो होता है बच्चों, वो होता है नीचे इस तरह। ये हो गया हमारा बे। क्या हो गया बच्चों? बे। एक बार फिर शुरू करते हैं लिखना। पहले एक लाइन इस तरह करेंगे, उसके बाद एक लंबी सी लाइन इसी में जोड़ देंगे और फिर इधर भी एक लाइन हम ऐसे कर देंगे। और फिर क्या करेंगे? हाँ, उसके बाद हम उसे एक नुक्ता नीचे दे देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बे। क्या हो जाएगा बच्चों? बे। देखिए, ये है हमारा बे। इसको कितने नुक्ते हैं? इसको एक नुक्ता है। और बच्चों, अब हम देखते हैं कि बे की आवाज़ कैसी होती है। तो बे की आवाज़ होती है बा की तरह। तो बे से होता है बस्ता। क्या होता है बच्चों? बे से होता है बस्ता। और क्या हो सकता है बे से? बे से हो सकता है बंदर। बंदर भी हमारा किस चीज़ से है? बंदर है बे से। तो बच्चों, ये है हमारा बे। बे की आवाज़ बा की तरह होती है। किस तरह होती है? बा। तो बा से होता है बंदर और होता है बे से, हमारी किताब में ही लिखा है, बस्ता। तो बच्चों, आज हमने जो हर्फ सीखा वो है क्या है? हाँ, वो है बे। तो हम इसे लिखना भी सीख चुके हैं और इसे क्या होता है, कौन सा लफ्ज़ होता है ये भी जानते हैं कि बे से बस्ता होता है और बे से बंदर भी होता है। तो बच्चों, ये रही आप लोगों की किताब। आप लोगों को क्या करना है? हाँ, आप लोगों को इसमें कलर करना है और फिर यहाँ पे लिख कर उसकी प्रैक्टिस करनी है। किस तरह लिखेंगे एक बार जल्दी देख लेते हैं। ये हमारा बे है ना, देखिए ये किताब में जैसा है वैसा ही है ना। तो आप लोग पेंसिल से इसे कलर कर दीजिए ऐसे ऐसे। जब कलर कर ले तो फिर जो यहाँ है, इधर देखिए यहाँ पे है ना, ये जो बे बना हुआ है यहाँ पे, इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग ऐसे छोटा छोटा लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए, ताकि आप लोगों को लिखना आ जाए। तो बच्चों, आज हमने सीखा बे। अब इंशाल्लाह हमारा जो अगला हर्फ है वो हम बाद में सीखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।